कम टाइम में सिलेबस डिस्कस कर लेते। वेलकम टू सीट एकेडमी गाइस, हम बहुत कम टाइम में सिलेबस डिस्कस कर लेते कि सिलेबस में क्या क्या है करके। ओके आपकी तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या देखे है, सबसे पहले आपको थ्री मोमेंट थ्योरम, जो मैक्यूले इंटीग्रेशन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, डिफ्लेक्शन बाय सुपरपोजिशन, दीज आर द मेथड्स आर गिवन फॉर बीम डिफ्लेक्शंस। तो बीम डिफ्लेक्शंस में हमको यानी बीम डिफ्लेक्शंस में मैक्यूले मेथड से भी हमको सॉल्व करना है, मैक्यूले इंटीग्रेशन मेथड। सो एक्चुअली दिस टॉपिक बिलोंग्स टू सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वन मिनट गाइस। ओके, दिस टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, इट्स बिलोंग टू सॉम। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है, जहाँ पे यानी मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का टॉपिक है, जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स वन में आया है। ओके, एसएम में आया है। तो ये पहला टॉपिक है डिफ्लेक्शन वाला आपका। ओके, सो डिफ्लेक्शन बाय इंटीग्रेशन मेथड, बाय मोमेंट एरिया मेथड, बाय बीम कॉन्जुगेट बीम मेथड एंड बाय डिफ्लेक्शंस बाय मेथड ऑफ सुपरपोजिशंस। ओके, तो ये मेथड से आपको डिफ्लेक्शंस निकालने हैं। तो सबसे पहला डिफ्लेक्शन फाइंडिंग, डिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है। देन कास्टिगलनाइस थ्री मोमेंट थ्योरम, यानी स्ट्रेन एनर्जी, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू स्ट्रेन एनर्जी। ओके, कि स्ट्रेन एनर्जी से किस तरह हम अपने इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सॉल्व कर सकते, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड। यहाँ पे ही आपके तीन मेथड्स है आपके डिफ्लेक्शंस में। पहला डबल इंटीग्रेशन मेथड, यानी मैक्यूले मेथड। ओके, डबल इंटीग्रेशन मेथड से ही मैक्यूले मेथड आता है। मोमेंट एरिया मेथड का ही यूज करके मैं कॉन्जुगेट बीम मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, एंड डिफ्लेक्शन बाय मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ कॉन्जुगेट बीम मेथड। कि कॉन्जुगेट बीम मेथड भी आप उसमें यूज कर सकते हैं, मोमेंट एरिया मेथड भी आप उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको दो डिफ्लेक्शंस निकालने हैं और दो डिफ्लेक्शंस निकाल के आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, तो ये आप डिफ्लेक्शंस यानी डिफ्लेक्शंस इन बीम में आप निकालोंगे पहला यूनिट में आपका। सेकंड यूनिट में आपका क्या रहेगा कि आप स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे बॉडी में की। अब देखो क्या बोला गया है कि कोई भी यानी न्यूटन्स बोलता है कि कोई भी एक बॉडी है उसमें एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी नॉट टू डिस्ट्रॉय। ओके, डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो ट्रांसफर होती। ओके, वो ट्रांसफर होती, तो एनर्जी ट्रांसफर होगी या फिर एनर्जी उतना एनर्जी स्ट्रेस लेगी। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने लोड लगने से मेरी कहाँ तक एनर्जी आ रही है, और उसका ये जो है यानी अपना स्ट्रेन एनर्जी का, कि आपका कौन से पॉइंट तक, अल्टीमेट पॉइंट तक मेरी स्ट्रेन एनर्जी लग रही है। एक्चुअली दैट इज प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट तक ही लगती है, वहां तक ही मुझे देखना है, उसके बाद का फेल वाला मुझे नहीं देखना है। तो ये सब चीजें मुझे डिफ्लेक्शन इन बीम वगैरह, मैक्सवेल थ्योरम वगैरह सब कुछ मुझे स्ट्रेन एनर्जी मेथड से मुझे देखना है। दैट इज अ वेरी डीप पार्ट, लेकिन मैं इसको आपको आराम से ऊपर ऊपर से पूरा लेके जाऊंगा। ओके, स्ट्रेन एनर्जी इट इज वेरी वेरी डीप पार्ट बिकॉज ऑफ ट्रैक्शन, शेयर, फ्लेक्चर एंड बेंडिंग एंड टॉर्शन। ओके, तो ये सब कुछ आपको स्ट्रेन एनर्जी से निकालना है, फाइंड आउट करना है। वर्चुअल वर्क भी है आपको, कंप्यूटिंग डिफ्लेक्शन इन बीम, के वर्चुअल वर्क से आप डिफ्लेक्शन इन बीम आप निकालोगे, तो वो हम मैक्सवेल रेसिप्रोकल, इसका जो यूज है दैट अप्लीकेशन, इट इज इन मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। अगेन डिफ्लेक्शन का ही पार्ट है, लेकिन बाय द यूजिंग ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। ओके, विल्टन्स मोर्स डायग्राम, तो मोर्स डायग्राम जो भी है, वो मोर्स डायग्राम से मैं स्ट्रेसेस भी फाइंड कर सकता और मैं डिफ्लेक्शंस भी फाइंड कर सकता। ओके, सो ड्यू टू डिफ्लेक्शन स्ट्रेसेस इज ऑक, सो दैट्स व्हाई आपका मोर्स भी इसी पे आता है। तो दैट टू मेथड्स, यानी ये जो दोनों चैप्टर्स है, एक मेक को थोड़े बहुत मिलते जुलते आएंगे। ओके, नेक्स्ट जो मॉडल है, यानी थर्ड मॉडल, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप जब देखोगे मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, अगेन डिफॉर्मेशन की बात आई, तो यहाँ पे सबसे पहले आया
different structural systems, concept of analysis, basics assumptions, indeterminance. That is nothing but a basic chapter for ACE. इसका वीडियो मेरे पास बन के है दो, इसमें ये है यानी इसके जो ये बेसिक के वीडियोस है यानी मेरा जो गेट में मैं पढ़ा था, गेट का ही सिलेबस ये है आपका. ओके, यहाँ तक तो इनडिटरमिनेंसी कैसे निकालते, किस तरह निकालते, ये हम आपके इसमें अभी ले लेंगे. यानी इनडिटरमिनेंसी कैसी है, क्या है, किस तरह निकालना पड़ता है, स्टार्टिंग इनडिटरमिनेंसी किस तरह निकालना पड़ता है, वो हम ले लेंगे. ओके, ये इसके मैं ये जो है ना बेसिक कंसेप्ट, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट, ओके, एंड बेसिक असम्पशंस, इसके मैं वीडियोस दूंगा, आपको वीडियोस देखना पड़ेगा. ओके, मेरे खुद के वीडियोस हैं. अभी कुछ दिन पहले ही ये टॉपिक मेरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दैट इज नथिंग बट एसएम में हो गया. ओके, सो इनडिटरमिनेंसी भी अपने को देखना है. देन कैस्टरगोलनाइज थ्योरम. तो कैस्टरगोलनाइज थ्री मोमेंट थ्योरम, दैट इज नथिंग बट कैस्टरगोलनाइज व्हाट थ्री मोमेंट थ्योरम है ये. तो यहाँ से आपका जो है इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स जो भी है वो चालू हो जाएगा, इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर आपका चालू हो जाएगा. ओके, यहाँ से एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेंट बीम, यानी थर्ड मॉडल से मेरा इनडिटरमिनेंट बीम जो है जिसकी इनडिटरमिनेंसी वन से ज़्यादा तो रहेंगी, और यानी वन से ज़्यादा रहेंगी और वन से ये भी रहेंगी, यानी क्या बोलते हैं आपका यानी जीरो से ज़्यादा तो रहेगी ही, लेकिन वन से भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वन से ज़्यादा नहीं रही तो मैं यहाँ डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ. ओके, दैट्स वाई इन्होंने बहुत अच्छे से सिलेबस यानी ये डिराइव किया है. ओके, सो देन फिक्स रिएक्शन, स्टैंडर्ड क्लास लोडिंग, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन फिक्स बीम, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन फिक्स बीम, फिक्स बीम में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे आता, क्या आता, वो भी आपको निकालना है. तो वो हम कैस्टरगोलनाइज थ्योरम से हम निकाल सकते हैं. ओके, फोर्थ मेथड इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ओके, जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, इसमें आपका पूरा का पूरा है. तो यही अपन पहले खत्म करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, देन वी मूव हियर मूव यानी सॉरी देन वी मूव हियर. ओके, मैं आपको ये वीडियो सेंड कर देता, आप वीडियो देख लेना प्लीज, और उसके बाद अपन ये देखेंगे. लेकिन सबसे पहले अपन यहाँ पे चले जाते हैं, बेसिक पे अपन बेसिक उठा के हम ले लेते हैं. ओके, लेकिन इसके लिए आपका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट भी होना, यानी अच्छे से आना आपको जमने को होना, वो भी सबसे पहले मैं आपको पूछ लेता. ठीक है, देन मोमेंट स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. अब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड अगेन, ये स्लोप डिफ्लेक्शन यानी आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन भी निकाल रहे हो और यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन नहीं निकाल रहे, नहीं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ये मेरी इनडिटरमिनेंट बीम के लिए है. इनडिटरमिनेंट बीम जो भी मेरे रहते हैं उसके लिए मेरी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड मेरी है. ओके, देन थीन सिलेंडर्स मुझे जो भी मैं वाटर टैंक वगैरह बनाता हूँ बड़े बड़े, मैं जैसे कि आप अभी ये देखोगे अपना कूलिंग टावर वगैरह, सो दिस आर द थीन सिलेंडर्स, दिस स्ट्रक्चर्स आर थीन सिलेंडर्स. तो उस पर क्या स्ट्रेसेस आते हैं, उससे तो सिर्फ और सिर्फ भाप ही निकलती है सर, बोलेंगे आपके भाप निकलती है, और भाप निकल के भाप कूल होती है, यानी दैट स्टीम इट इज कूल, स्टीम कूल डाउन हो जाने के बाद उसका पानी नीचे आता है, दैट्स व्हाई आवर टॉकिंग अबाउट दैट कूलिंग टावर. और वाटर टैंक में सिर्फ और सिर्फ वाटर स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करने के बाद डायरेक्टली अपन उसको यूज करते हैं, तो उस पर जो भी स्ट्रेसेस लगता है, दैट आर द स्ट्रेसेस इज नथिंग बट हूप स्ट्रेसेस. हूप स्ट्रेसेस के लिए हम वाटर टैंक, हूप स्ट्रेसेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के लिए हम वाटर टैंक डिजाइन करते हैं. तो वो स्ट्रेसेस कहाँ से पड़ेंगे, तो सबसे पहले स्ट्रेसेस आएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, बाद में अपन डिजाइन के लिए जाएंगे. तो स्ट्रेसेस आपने तीन सिलेंडर पर पढ़ना, दैट इज अ होल सिलेबस, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपने आपको मैंने एक स्मॉल इसमें मैंने बता दिया है. ओके, अगेन मैं आपको वंस एक बार पूछ लेता कि आप इसके मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के जितने वीडियोज मेरे हो गए हैं वो देखोगे, मैं दूसरा कुछ चालू कर दूं प्लीज गाइस. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के आई थिंक सो आई हैव 4 to 5 वीडियोस मेरे हो गए हैं, 4 to 5 क्लासेस मेरे हो गए थे, क्या वो देखोगे या फिर मैं फिर से चालू कर दूं, एज यू विश. एंड अगर मैं फिर से चालू कर दूंगा तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ही मुझे करना पड़ेगा तो बेटर रहेगा, या फिर मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ फर्स्ट यूनिट के लिए, फर्स्ट यूनिट जो भी आपका है वो फर्स्ट यूनिट के लिए मैं जा सकता हूँ डिफ्लेक्शंस के लिए, डायरेक्टली वी गो फॉर द डिफ्लेक्शंस. और डिफ्लेक्शंस के लिए सबसे पहले आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कितने लोगों को
आता है कि लास्ट सेम में आपने पढ़ा होगा, लेकिन लास्ट सेम भी आपका ऑनलाइन ही गया है, क्या आपको वो आता है अच्छे से? नहीं आता है सर। नहीं नहीं ओके, नहीं आता। सो गाइस, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सम बेसिक्स शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लेना पड़ेगा। तो आज मैं बेसिक ही ले लेता शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह करते हैं। देन वी मूव फॉर द फर्स्ट यूनिट। ओके, मैं जो आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मेरे पास मेरे खुद के वीडियोस अभी अपने ये पहले मैंने क्लास चालू किया था, इतने लोग ज्वाइन नहीं किए थे, तो वो क्लासेस के वीडियोस है, वो क्लासेस के वीडियोस आप देख लो प्लीज, देन अपन उसको भी कंटिन्यू करेंगे बाद में। हम पहला मॉड्यूल से हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। हमारी बेसिक बैच है, बेसिक बैच अपने को जल्दी जल्दी खत्म करनी है। तो मैं बेसिक इसके भी जो आपके सिलेबस में नहीं है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो आपके लास्ट सिलेबस में था मॉस में, वो मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ, यानी उसके कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको उसको कंसेप्ट अगर पता चल गया तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो आज हम देखेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ओके, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो पिछले सिलेबस में था लेकिन सिलेबस में नहीं हो के भी उसके मार्क्स आपको है, अगर आपने नहीं बनाया शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो आपके नियर अबाउटली अगर आपका 13 मार्क का क्वेश्चन है तो 13 मार्क्स में से आपके 4-5 मार्क्स कट हो जाते हैं। तो 4-5 मार्क्स आपको सेव करना है, तो आपको कंसेप्ट अच्छे से जानना पड़ेगा। भला ही मैं जो भी मेरे ये हो जाते हैं, यानी क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्वेश्चंस हो जाने के बाद मैं फिर से, यानी जो भी क्वेश्चंस रहते हैं अपना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर दूसरे मेथड, उसके नीचे मैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों को वो नहीं समझता है क्योंकि वास्ट रहता है। तो सबसे पहले अपन शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ये बेसिक क्लास पे अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, आफ्टर द डिस्कसिंग सिलेबस वी डिस्कस अबाउट बेसिक शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। बेसिक क्लास और SFD एंड BMD, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। SFD BMD के ऊपर ही है कि आप कितना लोहा डालोगे, आपका स्ट्रेस कितना, यानी आपका स्टील कितना जाएगा। ओके, और दिन भर अभी मेरे को तो इतना आदत सी गिर गई है कि हाँ इतना BMD है, यानी इतना इतना स्टील अपना नीचे जाएगा। तो ये भी होगा, ये कब होगा आपका, जब आप कंटिन्यूसली उसमें रहोगे और कंटिन्यूसली उसमें आप जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं वाह इतना इतना स्पैन है, इतना इतना BMD आ सकता है, इतना स्पैन से इतना BMD से इतना लोहा लग सकता है। ओके, सो गाइस, फर्स्टली व्हाट इज शेयर फोर्स? शेयर फोर्स SF इट इज नथिंग बट अल्जेब्रिक सम ऑफ व्हाट इज शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स कहाँ से आता है वो तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा, और उसके स्मॉल एक आपको डेफिनेशन अपने को देखना पड़ेगा। तो शेयर फोर्स गाइस लिखो, शेयर फोर्स बेसिक क्लास में आप लिख लो, स्मॉल स्मॉल लिख लो गाइस, ज्यादा मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ। शेयर फोर्स अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस, अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग द ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ बीम। ट्रांसफर्स यानी वर्टिकल डायरेक्शन, अगर हॉरिजॉन्टल बीम है तो वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, ट्रांसफर यानी आप पकड़ लो के एलिमेंट अलोंग द ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ बी, अलोंग द ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ बी। शेयर फोर्स इज ए अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस अलोंग द ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ बीम। ओके, सो आप ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ बीम में ही क्यों हम शेयर फोर्स निकालते हैं और क्यों शेयर रहता है, सबसे पहले ये आप देख लो। ओके, सो दिस इज माई बीम, इसके ऊपर इसका हम सेल्फ वेट ही अभी एड करते हैं। तो सेल्फ वेट, वन मिनट गाइस, सेल्फ वेट हम UDL में कंसिडर करते हैं। तो UDL इज नथिंग बट अ डब्बा लोडिंग, इट इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर लोडिंग। अब हमारी आलसपन के वजह से हम इसको किस तरह लिखते हैं, मेरे आलसपन के वजह से मैं इसको कुछ इस तरह कंसिडर करता हूं। ओके, ओके, सो गाइस दैट इज नथिंग बट UDL। अब ये UDL एक्सिस ऑफ द बीम मेरी क्या है, सबसे पहले एक्सिस ऑफ द बीम क्या है मेरी, व्हाट इज माय एक्सिस ऑफ द बीम? एक्सिस ऑफ द बीम इज
ये बीम की एक्सिस है, यानी बीम मेरा ऐसी है ना, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल मेरी लोडिंग लग रही है, यानी क्या कैसी लग रही है, एक्सिस ऑफ द बीम आपका ये है, और आपका जो लोडिंग लग रहा है वो लोडिंग आपका वर्टिकल लग रहा है, यानी इसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लोडिंग है ना, ट्रांसवर्स लोडिंग, यानी क्या होगी, दैट इज लोडिंग, पी लोडिंग, सपोज पी लोडिंग ऐसे आ रहा है, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, विच लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन आप पकड़ सकते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इट इज नथिंग बट ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लोडिंग, तो ये क्या करेगा, शेयर कैसे आएगा, एकदम आप समझ लो, शेयर शेयर कैसे आएगा, अपन ने थोड़ा बहुत क्या कर दिया, ये बीम को मैंने काट दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया, और इसका मैं सेक्शन देख रहा, ओके यहाँ से ऐसे काट दिया मैंने, 1 मिनट, यहाँ से ऐसे काट दिया, और इधर मैं इसका सेक्शन देख रहा है, दैट इज अ सपोर्ट, तो वह एक सेक्शन देख रहा, यानी कहां से क्यों कैसे आ रहा है, ये आपको समझ, सब जब समझ में आएगा तब आपको इस पे इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए, ओके, सो शेयर फोर्स, मैं यहां से काटने के बाद मुझे जो भी शेयर फोर्स दिखेगा, तो दैट लोडिंग इट इज लाइक दिस, इस तरह लोडिंग आ रही है, तो ये जब लोडिंग आ रही है आपकी, तब आपके यहाँ पे ये जो मटेरियल है, जो भी मटेरियल है, कंक्रीट मटेरियल, स्टील मटेरियल, वुडन मटेरियल, जो भी मटेरियल है मैंने यूज किया बीम के लिए, वो रिएक्शन देगा, सबसे पहले वो वर्टिकल रिएक्शन देगा, वर्टिकल लोड लग रहा है, वर्टिकल रिएक्शन देगा, ड्यू टू दैट लोडिंग, अब लोडिंग वर्टिकल है, सपोर्ट नीचे नहीं है, सपोर्ट इधर है, तो वर्टिकल लोडिंग की वजह से मेरा मोमेंट भी आएगा, वर्टिकल लोडिंग की वजह से मेरा क्या आएगा, मोमेंट आएगा, क्योंकि सपोर्ट आपका इधर है, तो ये लोड की वजह से आपका मोमेंट भी है, मोमेंट तो आया है, लेकिन उसके वजह से क्या है कि जो भी वर्टिकल लोड, वर्टिकल मैंने दबा दिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा लोडिंग ही है, ओके, सो दबा दिया तो क्या हो रहा, आपका बेंड भी होने के इसमें आ रहा, और आपका डायरेक्ट लोड होने के कारण आपका रिएक्शन भी इस तरह दे रहा, तो आपके नियर द सपोर्ट, नियर द L/4 आपका शेयर क्रैक जो भी है वो आपका यहां से इस तरह का शेयर क्रैक आना चालू हो जाएगा, खतरनाक वाला, यानी 45 एंगल वाला, 45 डिग्री एंगल वाला शेयर क्रैक आना चालू हो जाएगा, कोई भी आप बीम देखो यू फेल होने के चांसेस पे, तो उसका क्रैक बिल्कुल इंक्लाइंड रहेगा सपोर्ट से क्रैक इंक्लाइंड रहेगा, तो वो क्या रहता, वो शेयर की वजह से रहता, नॉट फॉर द बेंडिंग, इट ड्यू टू फॉर द शेयर, क्योंकि जब शेयर लोडिंग आपका नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा शेयर लोडिंग खींच लेगा उसको नीचे, तब क्या होगा कि यहां से क्रैक होना चालू कर देगा, यहां से बढ़ते 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 छोटा 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 होते होते ऐसी क्रैक दिखेगा आपको, दैट इज क्रैक, दैट इज व्हाट, क्रैक, तो ये क्रैक क्यों आया, लोडिंग रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो क्रैक आएगा, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए मुझे वर्टिकली लोड आ रहा है ना, वर्टिकल रेनफोर्समेंट लगा दो, यानी मैं स्टीरअप्स लगा दूंगा, आप बोलते ना ये, अरे रिंगा क्यों बांध रहे, बोलते ना बाबा रिंगा रिंगा क्यों इतने इस पे बांध रहे, बोलते रिंग्स, बोलते ना रिंग्स, स्टीरअप्स को आप आपके गाउटी लैंग्वेज में और कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज इट इज रिंग्स, ओके, तो ये रिंग्स क्यों इतने सारे बांध रहे, बोलते अपन रिंग्स बांधते, यानी अपन क्या करते कि ये अपना सपोज रेनफोर्समेंट है, तो ये रेनफोर्समेंट है, तो रेनफोर्समेंट को हम रिंग्स बांधते, दैट रिंग्स इट इज लाइक अ स्टीरअप्स, इसको हम स्टीरअप्स बोलते हैं अपने टेक्निकल लैंग्वेज में, सो दैट स्टीरअप्स फॉर द शियर, तो आपका वर्टिकल लोड कौन ले रहा, स्टीरअप्स ले रहा, और वो क्यों हम डिजाइन कर रहे हैं, नॉट दिस क्रैक, ये क्रैक ऑकर नहीं होने को ना, स्टीरअप्स का डिस्टेंस मेरा कम कहां पे रहेगा, एट द सपोर्ट्स पे रहेगा, तो ये मैं आरसीसी में भी चले गया, ओके, तो आरसीसी आपको बाद में है, लेकिन कंसेप्ट देखो, क्रैक कहाँ पे आ रहा, जनरल क्रैक 45 डिग्री वाले क्रैक्स नियर द सपोर्ट आ रहा, नियर द सपोर्ट क्यों आ रहा, लोडिंग ज्यादा होने के कारण, रिएक्शन कम होने के कारण, रिएक्शन बढ़ाने के लिए मैं क्या यूज कर रहा, स्टीरअप्स भी मैं यहाँ ज्यादा यूज कर रहा, डेप्थ उतनी रख के मुझे अगर रिएक्शन बढ़ाना है स्ट्रक्चर की, तो मैं स्टीरअप्स भी यूज कर रहा हूँ वर्टिकल के लिए,
उसके वजह से बेंडिंग मोमेंट भी आएगा वर्टिकल लोडिंग की वजह से, क्योंकि डिफ्लेक्ट होगा, सपोर्ट है क्या इधर बीच में वगैरह नहीं है, एंड एंड पे सपोर्ट है। आप ऐसी लेट जाओ, आपके ऊपर किसी को तो भी खड़ा कर दो, आप बीच से बेंड ही हो जाओगे ऑब्वियसली है। तो बेंडिंग क्यों होगा, क्योंकि आपके 29 रन नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर बहुत धड़धड़ हो, आप जिम वगैरह बहुत अच्छे से मार रहे हो और ऊपर आपके ऊपर कोई भी खड़ा हो जाए, आप बेंड ही हो रहे हैं, यानी आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वैसी मुझे स्ट्रेंथ किसकी अच्छी करनी है, मेरी बीम की स्ट्रेंथ मुझे अच्छी करनी है, डिफ्लेक्शंस नहीं होने का करना, डिफ्लेक्शंस नहीं होने को होना, इसलिए इसलिए डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिफ्लेक्शंस के लिए शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स व्हाई क्रैक्स आपका ऐसे आएगा। अब शेयर फोर्स अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस अलोंग द ट्रांसफर डायरेक्शन। ट्रांसफर डायरेक्शन आपको पता चल गया क्या है, किसी को डाउट है इसमें? वर्टिकली जो भी मेरे फोर्सेस रहेंगे, दैट फोर्सेस का एडिशन प्लस माइनस एडिशन मेरा शेयर फोर्स रहेगा। तो साइन ऑफ द शेयर फोर्स गाइस, साइन कन्वेंशन, शेयर फोर्स, दैट इज बेसिक। ओके, साइन कन्वेंशन ऑफ शेयर फोर्स। तो देखो, जब भी आप लेफ्ट टू राइट आओगे, दैट इज लेफ्ट, ये हमेशा लेफ्ट राइट आपको साथ में रखना पड़ेगा सिविल इंजीनियर के लिए। कहां से देख रहे हैं, लेफ्ट से देख रहे हैं? हाँ, लेफ्ट से देख रहे। सो लेफ्ट से जब हम इधर आ रहे, तब ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्सेस निगेटिव। अब ये ऊपर नीचे कौन सा? ट्रांसवर्स। आप बोलोगे सर बीम मेरा ऐसी है, तो ऐसी भी रहेगा, ऐसी कहां पे रहेगा? आपके फ्रेम में रहेगा, फ्रेम में वर्टिकल भी रहेगा। तो वर्टिकल रहा तो क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल वाला उसका ट्रांसफर हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस का जो भी लोडिंग रहेगा, दैट लोडिंग इट इज नथिंग बट अ ट्रांसफर लोड। ओके, ट्रांसफर लोड। तो साइन कन्वेंशन एसएफ के लिए, शेयर फोर्स के लिए कैसी है कि लेफ्ट से राइट जब भी आएगा, ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्सेस नेगेटिव। प्लीज अंडरस्टूड, प्लीज अंडरस्टूड। ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्सेस नेगेटिव, यही याद रखना। लेफ्ट टू राइट वाला याद रखना, लेफ्ट टू राइट वाला याद रखना, और उसके बाजू वाला उसका उल्टा रहता। सीधी सीधी बात है, आपके आप लेफ्ट टू राइट फॉलो करते, दूसरा राइट टू लेफ्ट फॉलो करेगा, तो आपसे उल्टा ही रहेगा। आपके मत वाला नहीं है वो, आपका कुछ अलग मत रहता है और वो आपसे कुछ अलग चल रहा है, ऑब्वियसली उल्टा ही रहेगा। तो दैट्स व्हाई हियर नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अपवर्ड इज नेगेटिव, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट, हियर इज राइट टू लेफ्ट, RIGHT, राइट टू लेफ्ट। ओके, सो राइट टू लेफ्ट जब मैं कैलकुलेशन करते वक्त आऊंगा, तो ऊपर जाने वाले पॉजिटिव लेना, नीचे आने वाले निगेटिव लेना। प्लीज मेक श्योर आप लेफ्ट टू राइट ही मैक्सिममली यूज करो। लेकिन आपको ये साइन कन्वेंशन भी पता होने को ना, जब आप राइट एंड से लेफ्ट एंड की तरफ आओगे, तब आप ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले निगेटिव करोगे। देन वी मूव फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब ये सबसे पहले आपने शेयर फोर्स पकड़ लिया कि शेयर फोर्स क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ दैट वर्टिकल फोर्सेस अलोंग द ट्रांसफर डायरेक्शन, अलोंग द ट्रांसफर डायरेक्शन। ओके, अलोंग द ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ बीम। ओके, क्योंकि एक्सिस ऑफ द बीम मेरी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल पे जो भी लोड लगेंगे, दैट इज नथिंग बट एक्चुअल लोड। एक्चुअल का यानी अल्जेब्रिक सम करना, यानी EF होगा। ओके, एक्चुअल फोर्स होगा, उसको अभी अभी अपन बाद में भी अभी कंसिडर कर लेते हैं। अपन सबसे पहले अपन बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? सबसे पहले तो आप बेंडिंग मोमेंट समझ लो। यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि बेंडिंग मोमेंट यानी क्या है। बेंडिंग मोमेंट यानी क्या है कि आपका बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, जब मेरा सपोर्ट यहाँ पे है और मेरा लोड यहाँ पे लग रहा है, लोड यहाँ पे लग रहा है, सपोर्ट मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, ये सेंटर लाइन है मेरी, तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट है और ये आपका ये बीम है, तो ये आपका बीम है, सपोज मैंने यहाँ पे काट दिया, और ये एक्स डिस्टेंस पे मेरा लोड लग रहा है, दैट पी लोड लग रहा है, तो यहाँ पे ये शेयर फोर्स देगा। लेकिन इसका इफेक्ट अगर मुझे यहाँ पे होना, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, दैट पी रिएक्शन, पी रिएक्शन, और इसके साथ क्या हो रहा कि ये इसको ऐसे घुमा रहा, कपल कर रहा, इसको क्या कर रहा, कपल कर रहा, घुमा रहा ना इसको,
तो इसको घुमा रहा है इसलिए इसका ये मोमेंट भी आएगा, मोमेंट, एक्टिंग मोमेंट, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिंग मोमेंट, सॉरी एक्टिंग मोमेंट, मोमेंट आएगा, मोमेंट क्या आएगा, एक्टिंग मोमेंट, दैट पी इनटू डिस्टेंस, पी इनटू डिस्टेंस, एक्टिंग मोमेंट। तो सपोज मेरा ये अगर भी मेरा ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट है, ये मेरा कॉलम जा रहा है ऊपर और ये मेरा बीम निकल रहा है, यानी फिक्स बीम, यानी क्या है ये, इसको मैं इस तरह लिख सकता, जस्ट लाइक इस तरह लिख सकता, फिक्स बीम। तो फिक्स होने के कारण ये क्या देगा, ये रिएक्शन भी देगा, जितना एक्ट हो रहा उतना रिएक्ट हो रहा, ऐसी मारा ऐसी आप दूसरे के कान पे ये कर दोगे, यानी मार दोगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्टिंग रिएक्टिंग डायरेक्टली, ओके, जितना एक्ट हो रहा उतना ही रिएक्शन देगा, उतना रिएक्शन नहीं दे रहा टूट जाएगा, टूट जाएगा, रिएक्शन नहीं दे रहा उतना टूट जाएगा, ओके। तो सबसे पहले अपने को कंसिडर करना है, मेरे को डिजाइन में नहीं जाना है सबसे पहले, मेरे को एनालिसिस में जाना है, तो मुझे कंसिडर करना है कि जितना एक्ट हो रहा उतना ही रिएक्ट दे रहा, उतना रिएक्ट दे रहा, यानी क्या दे रहा, उतना रिएक्टिंग मोमेंट है, रिएक्टिंग मोमेंट। रिएक्टिंग मोमेंट, ओके, क्या है, पी इंटू एक्स। और अब ये मोमेंट कब आएगा, जब मेरा डिफ्लेक्ट होगा, जब मेरा बीम डिफ्लेक्ट होगा, जब मेरा बीम डिफ्लेक्ट होगा, यानी इस तरह इसका डिफ्लेक्शन आएगा सिंपली, तभी मेरा मोमेंट आएगा। अगर अगर मेरा बीम रिजिड है, बहुत रिजिड है, बिल्कुल भी एक माइन्यूट यानी माइक्रॉन, 0.00 माइक्रॉन भी डिफ्लेक्शन नहीं है, देर इज नो डिफ्लेक्शन, 0.00 माइक्रॉन भी डिफ्लेक्शन नहीं है, देर इज नो मोमेंट। मोमेंट क्यों आ रहा, क्योंकि यहां पे लोड लग रहा है इनटू डिस्टेंस है। लेकिन अगर ये बीम रिजिड है, बीम इज रिजिड, डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा, प्लीज नोट दैट थिंग, डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा, डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा, लोड बहुत कम है, तो मोमेंट नहीं आएगा, ओके, वो मोमेंट नहीं आएगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ आप ये चीज पर 2 से 3 बार रिपीट, 2 से 3 नहीं, बहुत ज्यादा बार रिपीट करने वाला हो डिफ्लेक्शन पर, ओके। अगर ये रिजिड है, सपोज अगर ये रिजिड है, बीम आपका रिजिड है, रिजिड है यानी बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जैसी है वैसी है, एकदम रिजिड, तो मोमेंट जीरो, तो दैट एक्टिंग मोमेंट इज, सपोज यहाँ पे पी है, तो दैट एक्टिंग मोमेंट, एक्टिंग मोमेंट इज जीरो ड्यू टू रीजन। अब एक्टिंग जीरो है तो रिएक्टिंग भी जीरो ही रहेगा, रिएक्टिंग क्यों रहेगा फिर, कुछ ना कुछ, एक्टिंग जीरो है तो एम आर रिएक्टिंग मोमेंट इज ऑल्सो जीरो, बिकॉज ऑफ बीम इज रिजिड, गॉट इट, सम सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन, जो भी, यानी इतना बड़ा डिफ्लेक्शन नहीं रहता, थोड़ा बहुत रहता है, अब निकालने के लिए आपको मैंने ज्यादा निकाल के दे दिया, सो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन रहता, तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन में आपका, थोड़े बहुत डिफॉर्मेशन में आपका सब मोमेंट आता है, सब मोमेंट आता है, ओके, सब मोमेंट इट इज ऑकर। अब ये कैसे आता है, क्या आता है, मैं थोड़ी देर में आपको बता भी, यानी दिखा भी देता, एक स्ट्रक्चर, लाइव स्ट्रक्चर दिखा देता स्लाइड पर, जो आज ही मैंने डिजाइन किया है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वर्बा डिजाइन है, तो आपको ये सब ये कंसेप्ट भी समझ में आएगा, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए। जब तक कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा, क्यों पढ़ रहे हैं यार, शेयर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट, इसे लगेगा आपको, दैट इज बेस्ट, नॉट अ वेस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, आपके पूरे लाइफ पर इंपॉर्टेंट है। ये आपने समझ नहीं लिया या आपको नहीं समझा, तो आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट से भाग लोगे, और स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट से भागना बोले तो सिविल इंजीनियरिंग का एक जो पार्ट है, एक पार्ट, मैं उसको पूरा अखंड पार्ट नहीं बोलता, एक पार्ट से दूर जाना, क्योंकि वो जो सबसे अच्छा पार्ट है, बाकी पार्ट्स है अच्छे, लेकिन फिर जियो टेक्निकल हो गया, बाकी हो गया, उसमें भी आपको बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स इनडायरेक्टली आएगा स्ट्रेसेस निकालने के लिए,
वहां पे भी अपने को देखना पड़ेगा, लेकिन वहां पे समझ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जनरली हम कर रहे क्या है, लोड इनटू डिस्टेंस, ये आपका मोमेंट है। सो गाइस लिख लो, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, इज बेंडिंग मोमेंट आपने ये लिखा होगा, मे बी लिखा आपने गाइस, हाँ हाँ ओके बेंडिंग मोमेंट है ना, लिख लो आप, बेसिक है, अल्जेब्रिक सम ऑफ, अल्जेब्रिक सम ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, ब्रैकेट में लिखो पी इंटू एक्स, अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स पी इंटू एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स मोमेंट ड्यू टू ट्रांसवर्स लोडिंग, ड्यू टू ट्रांसवर्स लोडिंग, ड्यू टू ट्रांसफर लोडिंग ऑन द बीम, ट्रांसवर्स 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 लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग इन बीम, इन बीम, इन बीम, ओके इन बीम, इन बीम, ओके। सो अपन अल्जेब्रिक सम कर रहे हैं, काय की कर रहे हैं, मोमेंट की कर रहे हैं, मोमेंट क्या है पी इंटू एक्स है, और पी इंटू एक्स पी कैसे लगने को ना, मेरा ट्रांसफर लगने को ना, अगर मेरा पी एक्चुअल लगा तो मोमेंट कैसे आएगा, मोमेंट आएगा नहीं, अगर बीम के एक्सिस पे ही लग रहा तो मोमेंट नहीं आएगा, ओके मोमेंट नहीं आएगा। अब कपल भी रहता है, तो कपल थ्रू आउट द बीम पे रहता है, उसका कोई एक पॉइंट नहीं रहता, कपल हैज अ नो पॉइंट, वो थ्रू आउट बीम पे रहता है, वो मैं जब डिफ्लेक्शन स्टार्ट करूंगा उसके पहले मैं बेसिक्स ले लूंगा, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा ये सब चीजें, बेसिक्स क्लास पर प्लीज देख लेना, बेसिक क्लास में मैंने टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ मोमेंट, टाइप ऑफ ये लिया है ना अथर्व, आई थिंक सो आई टुक दिस टाइप ऑफ लोडिंग वगैरह वगैरह, इसका वीडियोज मैं अभी अपने इस पर डाल देता ग्रुप पे, तो आप प्लीज वो बाहर से देख लो, या फिर आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद सॉरी आप ऐप ज्वाइन कर लो, ऐप ज्वाइन में आप जब करोगे, ऐप ज्वाइन करोगे तो ऐप ज्वाइन में आपको पाप है कि नहीं, जो भी वीडियोस अभी तक हुए हैं वो पूरे के पूरे दिख जाएंगे, ओके सो कैन आई इरेज दिस पार्ट, ओके नाउ वी मूव फॉर ईएफ एक्चुअल फोर्स, एक्शियल फोर्स, एक्शियल फोर्स, इट इज नेम सेड एक्शियल मीन्स एक्सिस ऑफ द मेंबर पे लगने वाला फोर्स, दैट इज कंप्रेशन, दैट इज इन टेंशन, सिंपल थिंग। तो ये क्या करेगा बाबा, इसको कंप्रेस करेगा, चेंजिंग लेंथ होगा, इसको टेंसाइल करेगा, चेंजिंग लेंथ होगा, कंप्रेशन रिड्यूस द स्ट्रेंथ, टेंसाइल इंक्रीज द स्ट्रेंथ, ओके इंक्रीज द स्ट्रेंथ, इंक्रीज द अवर लेंथ, रिड्यूस लेंथ, कंप्रेशन रिड्यूस कर रहा लेंथ को, सम सॉर्ट ऑफ रिड्यूस, सम सॉर्ट ऑफ इंक्रीज, रिजिड होगा तो कुछ भी नहीं करेगा, ओके तो एक्सिस पे, मेंबर के एक्सिस पे लगने वाला लोड यानी एक्सियल लोड, ओके आप लिख लो, लोड एक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द मेंबर, लोड एक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड एक्सियल फोर्स, इज कॉल्ड एक्सियल फोर्स, लोड एक्टिंग एक्सिस ऑफ द मेंबर, लोड एक्टिंग एक्सिस ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड एक्सिस, एक्सियल लोड इज कॉल्ड एक्सियल लोड, ओके इज कॉल्ड एक्सियल लोड, ओके Who told network issue है, बहुत सारा network issue किसको है बाबा, आपको कोई network issue हो रहा क्या, कोई problem हो रहा क्या आपको guys? okay. Hello, हाँ सर मुझे हो रहा था, मेरे घर के तरफ network नहीं आ रहा था, सिर्फ बराबर, अच्छा अच्छा आपके तरफ धनंजय आपके तरफ problem हो रहा क्या, तो आप क्या करो, अभी कुछ कर नहीं सकता,
तो रीज्वाइन करके देखो, वो बेटर रहेगा। और हाँ अगर अब आ रहा, नहीं अब आ रहा, रिजॉइन किया मैंने। तो अभी अभी दिख रहा है बराबर। हाँ अभी आ रहा। तो वो एक चीज हो सकती है। और दूसरी चीज, अगर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है एक आधे दिन, तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल रहता है। अब कल का वीडियो मैंने डाला नहीं, क्योंकि मैं आज सुबह यानी नियर अबाउटली 5:30 से बाहर था तो टाइम ही नहीं मिला। अभी मैं डाल दूंगा, वो भी वीडियोस डाल दूंगा कल का भी। कल का भी वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके फ्रेंड्स को सेंड कर दो, आज का भी सेंड कर देना। ओके, सो नेक्स्ट, अभी शेयर फोर्स और पेंडिंग मोमेंट। अभी हम एक स्मॉल एग्जाम्पल ले लेते हैं, शेयर फोर्स और पेंडिंग मोमेंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपको आने को ना। ओके, स्मॉल एग्जाम्पल। कैलकुलेटिंग रिएक्शन, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेट रिएक्शन शेयर फोर्स डायग्राम एंड बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, सो सबसे पहले रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन है आपके, ये एक बीम है। बीम को एक स्केलेटल में हमने निकाल लिया, एक लाइन में हमने निकाल लिया, रिएक्शन को हमने एक लाइन में निकाल लिया। दीज आर द कॉलम्स, दीज आर द कॉलम्स। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टली रखा है। ओके, तो ड्यू टू दिस सिंपली सपोर्ट, सिंपली सपोर्टली रखा है, यानी इसके डायग्राम अगर आप देखोगे, इसके डायग्राम कुछ आपको इस तरह डायग्राम आपको दिखने को ना। इस तरह आपको डायग्राम दिखने को ना। ओके, दिस आर द सिंपली सपोर्ट सपोर्ट्स। ओके, सिंपली सपोर्ट्स। तो मुझे क्या हो रहा कि मैं इसको रिड्रॉ कर रहा, दैट इज आर ए, रिएक्शन आर ए एंड दैट इज रिएक्शन आर बी। अब 10 किलो न्यूटन इसके सेंटर पे लग रहा है, तो रिएक्शन डायरेक्टली हाफ ऑफ हो जाती है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको निकालते कैसे, वो भी अपने को निकालना पड़ेगा। सेंटर पे लग रहा है और आपका लोडिंग सेंटर पे लग रहा है, एक ही लोडिंग है और आपका दो रिएक्शंस है, तो रिएक्शंस आपके इक्वल रहते हैं, डब्ल्यू बाई टू डब्ल्यू बाई टू। डायरेक्टली मैं डब्ल्यू बाई टू बोल सकता हूँ, डब्ल्यू बाई टू दैट इज फाइव, 10/2 दैट इज और पी बाई टू आप बोल सकते हैं, डब्ल्यू बाई टू और पी बाई टू। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन किस तरह होता है वो देख लो, एकदम सिंपल है। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। ओके, फर्स्ट टेकिंग मोमेंट फ्रॉम ए, इट इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, इट इज इक्वल टू जीरो। क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, ऑलवेज क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव। यहाँ पे जब भी रिएक्शन हम करते हैं, ऑलवेज क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव। क्लॉकवाइज मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्लॉकवाइज मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव। तो अभी ये मेरा यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, अभी ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना पड़ेगा बाबा। और मैंने बेंडिंग मोमेंट में आपको ये नहीं बताया साइन कन्वेंशन, प्लीज साइन कन्वेंशन आप लिख लो, बेंडिंग मोमेंट साइन कन्वेंशन। फॉर बी एम डी सैगिंग, दैट्स व्हाट स्माइलिंग पॉजिटिव, सैग करेगा बीम, सैग करेगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। हॉक करेगा बीम, दैट इज क्राइंग बेंडिंग मोमेंट, दैट इज निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। Sagging is positive. Hogging is negative. Please आप ये इसमें लिख लो, क्या है बेंडिंग मोमेंट के इसमें। ओके, आपने ऊपर भी लिखा तो भी चलता है, साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट है। मैंने साइन कन्वेंशन और शेयर फोर्स आपको बता दिया, साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू स्माइलिंग इज पॉजिटिव, ऊपर जा रहा दोनों तरफ से, सैगिंग हो रहा पॉजिटिव, नीचे आ रहा क्राई कर रो रहा,
बेचारा रो रहा, तो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव. ओके सो सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव. सो गाइस सबसे पहले हम रिएक्शन पर, रिएक्शन पे क्लॉकवाइज टेकन, टेकन क्लॉकवाइज ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट मेरा पॉजिटिव रहेगा, कैसे भी रहो सैगिंग हॉगिंग का मेरा यहाँ पे कुछ भी कंसेप्ट नहीं रहेगा. तो अभी देखो अभी ये क्या हो रहा है, ये मेरा यहाँ से अगर मैं देख रहा तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. यहाँ से अगर मैं ई से देख रहा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या होगा, माइनस आर बी इंटू फोर, कितना है 2 मीटर, 2 मीटर है, माइनस आर बी इंटू कितना है 4 मीटर, प्लस 10 × 2 इट इज इक्वल टू 0. व्हाट इज आर बी, दैट इज फाइन. ओके दैट इज फाइन सर, पहले से तो आंसर निकाल लिया बोला, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम. आपका जो मॉस था वो मॉस चले गया, लेकिन आप कैलकुलेशन इस तरह कर सकते हैं. ओके अब मुझे ये भी निकालना है, तो इसका कैलकुलेशन मैं किस तरह करूंगा, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, दिस आर द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. टेकिंग मोमेंट अबाउट 8 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट्स व्हाई वी टेक इट क्लॉकवाइज पॉजिटिव ऑलवेज. ओके सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, दैट इज सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन. ओके पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे ऑलवेज, लेफ्ट राइट यहाँ पे नहीं दिखना है, वो शेयर फोर्स में देखेंगे. ओके सो आर बी मेरा ऊपर जा रहा है, यानी मेरा 5 ऊपर जा रहा है. सपोज आर बी ही पहले निकाल लिया मैंने, आर ए मैंने अभी तक नहीं निकाला है, आर ए इट इज इक्वल टू मेरा, अभी मुझे बताया कि डायरेक्टली हाफ रहेगा, लेकिन तो भी मैं कैसे निकालते वो मैं देख रहा हूँ. तो 5 प्लस आर ए माइनस 10 इट इज इक्वल टू 0. व्हाट इज आर ए, 5. Got it. Okay, next. अभी ये तो आपको समझ गया होगा, इतना तो आपको समझ गया होगा रिएक्शन कैलकुलेशन में किस तरह कर सकता. What is shear force calculation? SF calculation. What is SF calculation? SF calculation. Shear force calculation. SFD calculation. Second step. शेयर फोर्स कैलकुलेशन. तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन किस तरह होगा, शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए, शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए आपको लेफ्ट टू राइट ये साइन कन्वेंशन आपको देखना पड़ेगा. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, ऊपर जाने वाले नेगेटिव, नीचे आने वाले पॉजिटिव, ये राइट टू लेफ्ट के लिए और ये लेफ्ट टू राइट के लिए. तो मैं लेफ्ट टू राइट ही जाऊंगा, इंडियंस है लेफ्ट टू राइट ही गाड़ी चलाते हैं, लेफ्ट राइट ही मैं मेरी गाड़ी चलाऊंगा यहाँ पे भी. ओके सो दैट्स व्हाई ई शेयर फोर्स एडजस्ट लेफ्ट ऑफ ई, ये मेथड मैं आपको सिखा रहा. ओके मेथड, सो दैट्स व्हाई जस्ट लेफ्ट ऑफ ए आप पकड़ लो. आप क्या करोगे अभी, जस्ट लेफ्ट ऑफ ए में आप लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट में मैं ये सेक्शन काट लिया और आप उल्टा देखोगे, आप ऐसे खड़े हो जाएंगे राइट की तरफ और आप इधर देखोगे लेफ्ट की तरफ देखोगे. हाँ लेफ्ट क्या दिख रहा है आपको, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, 0 दिख रहा. इधर काटा ना मैंने पहले, जस्ट लेफ्ट ऑफ ए काटा, कुछ भी सेक्शन नहीं दिख रहा, 0 सेक्शन दिख रहा. तो दैट्स व्हाई वी टुक इट 0. फिर से बता रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट जब मैं आ रहा सेक्शन में, लेफ्ट टू राइट ले रहा, तो लेफ्ट टू राइट लेने से मैं पीठ मेरी राइट की तरफ करूँगा, पीठ मेरी राइट की तरफ करूंगा और मैं देखूंगा सामने, मैं सामने देखूंगा. तो सामने मुझे अभी यहाँ से क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं है, इस यहाँ से मैं सेक्शन ले रहा हूँ और इधर देख रहा तो कुछ भी नहीं है, 0 है. ओके बी शेयर फोर्स एडजस्ट राइट ऑफ ए, जस्ट राइट, जस्ट राइट पे यहाँ पे मैंने सेक्शन काट लिया, यहाँ पे मैंने सेक्शन काट लिया, दैट इज ए ए सेक्शन, दैट इज बी बी सेक्शन. तो यहां से मुझे आर ए दिख रहा, यहां से मैं खड़ा रह रहा है इसी, तो मुझे जस्ट डायरेक्टली क्या दिख रहा, आर ए दिख रहा. आर ए यानी क्या है मेरा 5, 5 किलो, कैसे जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, दैट्स व्हाई 5 5. ओके पॉजिटिव 5 ऊपर जा रहा ना, पॉजिटिव 5. देन नेक्स्ट, देन
नेक्स्ट। अब जहां पे भी पॉइंट लोड है लेफ्ट राइट सेक्शन ले लो, जहां पे भी पॉइंट लोड है वहां पे लेफ्ट राइट सेक्शन ले लो, जहां पे यूडीएल है वहां पे आप एक सेक्शन लिया तो भी आपको चल जाएगा। लेफ्ट राइट है यानी सडन चेंजेस है, ट्रांसफर लोडिंग है यानी सडन चेंजेस है, तो सडन चेंजेस पे आपको लेफ्ट राइट सेक्शन लेना पड़ेगा शेयर फोर्स में। ये आप लगे तो ऊपर लिख लो, जहां पे भी पॉइंट लोड है वहां पे आपको सडन चेंजेस है, सडन चेंजेस पे आपको क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा। ओके, देन सी शेयर फोर्स एडजस्ट लेफ्ट ऑफ सी। अब मैंने नामकरण दे, अरे बी बी नामकरण दे दिया मैंने ऊपर बी, तो ये आरसी रहेगा गाइस, ये आरसी रहेगा, यहाँ पे आप आरसी कर दो प्लीज। ये मैंने सी नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने आरबी लिख दिया, प्लीज मेक दिस आरसी, आरसी। ओके आरसी, तो ये बी है, बी के जस्ट लेफ्ट में देख रहा हूँ मैं अभी अभी, यहाँ से भी खड़े होके मैं इधर ही देख रहा हूँ, ये सी सी सेक्शन मेरा सी सी सेक्शन, तो सी सी सेक्शन से मैं इधर देख रहा, मैं कहाँ देख रहा, बी की तरफ ही देख रहा, सॉरी ए की तरफ देख रहा। तो ए की तरफ मुझे क्या दिखेगा, कुछ लोडिंग है क्या, आर ए ही लोडिंग है, तो सिर्फ और सिर्फ आर ए ही लोडिंग है, तो आर ए लोडिंग, आर ए लोडिंग, आर ए लोडिंग है, तो आर ए लोडिंग के लिए आपका क्या हो गया, दैट इज 5 kN ओनली। तो डी शेयर फोर्स एडजस्ट राइट ऑफ बी, आपको क्या दिखेगा, आर ए माइनस यानी 5 - 10। अब कैसी बोलेंगे सर, कैसी दिखेगा, यहाँ पर डी डी पे सेक्शन काट लो गाइस, डीडी पे सेक्शन काट लो, यहाँ से जब आप देखोगे इधर इधर, तो आपको सेक्शन कितना दिख रहा है, प्लीज सी दिस, आपको सेक्शन कुछ इस तरह दिख रहा है, दैट इज योर डीडी सेक्शन। तो आपको ये 10 kN नीचे आते हुए दिख रहा है, 5 kN ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो ऊपर जाने वाला पॉजिटिव नीचे आने वाला नेगेटिव, तो 10 - 5 यानी -5 -5। आप ई शेयर फोर्स एडजस्ट लेफ्ट ऑफ बी देख लोगे, तो आप आपको सेम सेक्शन यानी यहां से जो दिख रहा है, यानी यहां से मैंने काट लिया ई ई पे, तो आपको यही सेक्शन दिखेगा, बस थोड़ी दूर से दिखेगा। ओके, आप थोड़े दूर से देखोगे यहाँ से इधर, तो आपको 5 ऊपर जाते हुए दिख रहा, 10 नीचे आते हुए दिख रहा, वही सेक्शन दिख रहा है, दैट्स व्हाई -5। अगेन मुझे क्या दिख रहा है, वही दिख रहा है -5। देन एफ शेयर फोर्स एडजस्ट राइट ऑफ बी -5, यहां तक आपका -5 है, यहाँ पे क्या हो गया +5 0, यहां से जब हम देख रहे हैं FF सेक्शन, तो मुझे पूरा बीम दिख रहा है, 5 ऊपर जा रहा है, 10 नीचे आ रहा है, -5 हो गया, फिर से 5 ऊपर जा रहा है, +5 0, 0 आने को, रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी 0, तभी आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में, और जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी तभी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, क्या आपको ये शेयर फोर्स डायग्राम यानी शेयर फोर्स कैलकुलेशन समझा है? एक आधी पर्सन होगा जिसको नहीं समझा होगा, तो प्लीज बता दो, मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ई पसंद है, ई पसंद, ऐसे तो एडजस्ट लेफ्ट ऑफ बी पसंद, लेफ्ट ऑफ ई, लेफ्ट ऑफ बी। ओके ओके, देख लेफ्ट ऑफ बी यानी आप सॉरी लेफ्ट ऑफ सी रहेगा, ये दैट इज सी, हां हां ते सी पाजे भी म्हणून तो म्हणतो सी सी, हां यहां पे सी चाहिए, यहां पे सी, ये सी है, बी नहीं है, सी है, तो सी से अपन इधर देखेंगे तो आपको यही सेक्शन दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, आपको सेम सेक्शन दिखेगा, जब बी लिखा होता ना म्हणून मी कन्फ्यूज झालो, तो सी पाजे। ओके ओके ओके, मैं यहां पे भी मैंने बी लिखा था, समझ लाते समझ, ऐसी आदत गिर गई, आर ए आर बी यानी ए सपोर्ट बी सपोर्ट, दैट्स व्हाई वो राइटिंग मिस्टेक हुई। ओके, दैट इज प्रिंटिंग एरर, सो जस्ट
एट यानी एसएफ जस्ट एट लेफ्ट ऑफ सी, सी से मैं देखूंगा तो मुझे पूरा सेक्शन इतना दिखेगा, यानी सेम सेक्शन दिखेगा, इसलिए से यहां से मैं देखूंगा तो पूरा बीम दिख रहा मुझे, पूरा बीम दिख रहा तो पांच ऊपर जा रहा, दस नीचे आ रहा, अगेन पांच ऊपर जा रहा तो जीरो हो गया। और किसी को डाउट है क्या पूछ लो, डाउट सर वेलकम। हेलो, ना ना ओके ओके। सो शेयर फोर्स एसएफडी, अब देखो एसएफडी बना रहे, शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव बोला था अपन ने, और ऊपर जाने वाला पॉजिटिव है, पांच किलो न्यूटन है। देखो पहले क्या है, पहले जीरो है, इधर जीरो है, और इधर राइट के लिए क्या है, पांच है, राइट के लिए क्या है मेरा पांच है। ये ए, ये बी सेक्शन के लिए, देन सी सेक्शन मेरा कहां तक है, लेफ्ट ऑफ दी, लेफ्ट ऑफ दी कहां तक है मेरा, यहां तक है, लेफ्ट ऑफ दी बी तक है, सी सेक्शन लेफ्ट ऑफ दी बी तक। तो यहाँ पे क्या हो गया, पांच ही रहेगा, बाद में दस किलो न्यूटन नीचे है, बाद में कितना नीचे है, दस किलो न्यूटन, वन मिनट गाइस, इसको थोड़ा लाइन बना लेते हैं, बेटर रहता है। हाँ, दस किलो न्यूटन मेरा नीचे है, दस किलो न्यूटन नीचे है, यानी मेरा कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पे अगेन मेरा पांच हो गया, माइनस फाइव, माइनस फाइव, जस्ट राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी में आ रहा है, मैं डी डी के लिए आ रहा, देन मैं सी सी के यानी ई ई के लिए आऊंगा, ई ई के लिए आऊंगा तो मुझे अगेन क्या दिख रहा, कि मुझे माइनस फाइव दिख रहा, देन राइट पे चले जाऊंगा उसके एफ एफ के लिए तो मुझे जीरो दिख रहा, दैट इज माई शेयर फोर्स डायग्राम, पॉजिटिव नेगेटिव SFD, ये आपने बनाया था क्या लास्ट सेम में? मैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नहीं पूछ रहा प्लीज, उनका तो दो साल चले गया इसमें यानी दो साल उन्होंने वही नहीं नहीं बोलना, लास्ट सेम में आपने ये बिल्कुल किया ही नहीं, झाले स्नैक क्लासेस नहीं सर। नाइस 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 नाइस, ओके, क्या ये समझा आपको शेयर फोर्स डायग्राम अभी? हां, so now we move for bending moment diagram, bending moment diagram, bending moment calculations, kya aapne likh liya hai, nahi likha hoga to main time deta, aap likh lo ya fir screenshot nikal lo, baad mein likh lena, screenshot nikal ke baad screenshot sirf aur sirf mobile mein mat likh rakhna, usko likhna, nahi to aap kaha sir mobile mein hai apan baad mein dekh lenge, to baad kabhi nahi nikalta, tab ka tabhi hota, fir baad mein ke to wo chalu hi nahi hota, ye mere sath bahut bar hota hai, main experience se bol raha hu, ओके एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, कुछ ऐसी आपको ब्लेम कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं, ओके मिटा दूं मैं ये कैलकुलेशंस, नहीं मुझे उधर का ही मिटाना पड़ेगा, मेरे पास जगह है, चला नहीं इधर भी मिटा, हो गया ना, ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन, बीएमडी कैलकुलेशन, थर्ड स्टेप। अब यहां पे देखो ये मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं, हम बहुत हंसते भी है और हम रोती भी है, सो जो भी हंसने वाला मोमेंट है दैट इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, दैट इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, हंसने वाला मोमेंट, रोने वाला मोमेंट दैट इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, दैट इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, हंसने वाला मोमेंट ऊपर लेके जाएगा मेरे बीम को तो वो हंसाएगा, ऊपर लेके जाएगा दोनों साइड से तो वो हंसाएगा, दोनों साइड से नीचे लेके आएगा रुलाएगा, डेंजर रेड, रुलाने वाले मोमेंट नेगेटिव, रुलाने वाले पर्सन नेगेटिव, हंसाने वाले पर्सन पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी, तो वही अपने आप है बेंडिंग मोमेंट, इट्स सेम, नो चेंज, ओके, आपको वही देखना है, कैसी देखेंगे, ओके, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट ए, ये साइन कन्वेंशन है, ओके, बेंडिंग मोमेंट एट ए,
अब ए मेरा हिंज सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट है, यानी मेरा पिन सपोर्ट है, तो पिन सपोर्ट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट जीरो रहता है। सबसे पहला नोट, जो भी पिन सपोर्ट है अगर वो ओवरहैंग नहीं है या फिर उस पर कोई एग्जिस्टिंग मोमेंट नहीं है तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो रहेगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए इट इज इक्वल टू जीरो, जीरो। अगर मैं लेफ्ट से ही देख रहा हूँ इधर, तो इधर कुछ भी नहीं है और यहाँ पे मेरा पिन सपोर्ट है, तो पिन सपोर्ट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वैसे ही मैं बोल सकता बेंडिंग मोमेंट एट बी इट इज इक्वल टू जीरो, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ए और बी पे जीरो कैसे ही करेंगे। अब देखो, अब ये मेरा टेन है, अब मैं यहां से बेंडिंग मोमेंट ले रहा हूँ, कहां से, सी से, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा 5 kN है, ये 2 meter, ये 2 meter, ओके। अब यहां से जब मैं बेंडिंग मोमेंट लूंगा तो मेरा 5 kN फंसाएगा, 10 kN रुलाएगा, 10 kN मेरे बीम को नीचे लेके आ रहा, मैं सी से बेंडिंग मोमेंट ले रहा, सी से बेंडिंग मोमेंट ले रहा, 10 kN नीचे लेके आ रहा, रुला रहा, 5 kN ऊपर लेके जा रहा, हंसा रहा, हंसाने वाले बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव, रुलाने वाले बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव, ऑलवेज बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ओके, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। सो हाँ, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में, रिएक्शन कैलकुलेशन में कंफ्यूज मत होना, रिएक्शन में क्लॉकवाइज पॉजिटिव ऑलवेज, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, वहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना है। यहाँ पे क्या देखना है, हंसाने वाले मोमेंट, रोनाने वाले मोमेंट। हंसाएगा कब, जब ऊपर लेके जाएगा, तरक्की कराएगा, स्माइलिंग कराएगा। रुलाएगा कब, नीचे लेके आएगा, डाउन में लेके आएगा, क्राइंग, तब रुलाएगा, दैट्स व्हाई नेगेटिव। तो हंसाने वाला है ना पॉजिटिव 5 kN। अब यहां से सी से मैं अगर देख रहा तो सेक्शन कितना है मेरा, कितना दूर है मेरा, 4 meter है, यानी एक्स कितना है आपका, 4 meter है, 4 meter यानी 5 × 4 माइनस 10 × 2। अब आप बोलेंगे सर सी का आपने रिएक्शन क्यों नहीं लिया, ले लेते बाबा सी का भी रिएक्शन ले लेते, तो सी का रिएक्शन अपन सेक्शन कहां से ले रहे, सी से ले रहे, तो सी पे कितना लोड है, 5 है, तो 5 × 0 डिस्टेंस है क्या उसको, कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। मोमेंट कब आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस करोगे तब मोमेंट आएगा, उसको कोई डिस्टेंस ही नहीं है, वो सी पे ही है, दैट्स व्हाई जीरो। सो व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट नाउ, ऊपर जाने वाला मोमेंट इट इज इक्वल टू नीचे आने वाला मोमेंट है, तभी आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है एट अ सपोर्ट पर। तो दैट्स व्हाई कितना हो रहा, दैट 20 - 20 इट इज जीरो, इट इज व्हाट, जीरो। समझा क्या, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ओके। बाकी लोग बताओ, रचना समझ लगा है, ओके। सो अभी देखते हम सी पे, बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट एट सी, ये मैं बेसिक्स आपको मैंने ले लिया है, मैं इसके क्वेश्चंस के लिंक आपको सेंड करता हूँ, कल का क्लास आप उसमें दो, आप उसमें यानी बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स के जो भी मेरा लास्ट इसका एसएम का है तो उसके आप वीडियोस देख लो, तो आपको वीडियोस के थ्रू मेरे वीडियोस बहुत सिंपल जैसे मैं अभी सिखा रहा हूँ, लाइव वीडियोस ही है, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है मेरे। सो यानी ऐसी कि मैंने कैमरा के सामने आया मैं एक्सप्लेन कर रहा, ऐसी नहीं है, लाइव वीडियोस है, तो लाइव वीडियोस से आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। आप इसके लिए अलग आप बुक बना लो, एक SFD BM लिखी, और आप कुछ 5 to 10 प्रॉब्लम्स आप अच्छे से कर लो, बाद में मैं यहाँ पे तो बताने वाला हूँ, तो आपको कंसेप्ट पता चल जाएंगे पूरे के पूरे SFD BMD के। तो मैं एकदम स्मॉल कंसेप्ट मैंने बता दिया, लेकिन मैं अगर पूरा ही पढ़ा दूँ तो मुझे एक महीना इसी में चल जाएगा, मैं एक महीने से ज़्यादा पढ़ा सकता SFD BMD, क्योंकि बहुत वेरिएशंस है और मैं पूरे वेरिएशंस ले लेता, ओके, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता, ओके, कुछ छोड़ने की मेरी आदत नहीं है। तो दैट्स व्हाई आप मेरे गेट के वीडियोज़ है, तो वो गेट के वीडियोज़ आप प्लीज़ वहाँ से आप गो थ्रू चले जाओ SFD BMD के लिए, तो बेटर रहेगा, That is better for you. Okay, concept. हाँ, जो भी नहीं समझा उसमें, एक आधी प्रॉब्लम आपको नहीं समझा, उसको पिन करो, मुझे पूछो, मैं आपको फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। गाइस, फिर से हम आ रहे बेंडिंग मोमेंट एट सी पे, सॉरी बी पे, बीच का है ना, फिर से वो बी सी में कंफ्यूजन, बी सेंटर। तो सेंटर पे जब हम जाएंगे, सेंटर पे मैं ले रहा, मैं इधर से ले रहा, उधर से भी ले सकता, लेफ्ट से क्यों लिया, इंडियन लेफ्ट टू राइट, ओके, सो दैट्स व्हाई 5। राइट से भी ले सकते हैं, आपको यूरोप में जाके रहना है तो आप बी मध्ये, बी एम एट सी पाहिजे, बी एम एट सी, बी मध्ये, सॉरी, हियर इज सी, इट्स कन्फ्यूजन, बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी चाहिए, सी, ये पूरा बीम लिया आपने, ओके, सो हियर इज 2 meter,
अगेन हियर इज 10. सो जहां से अपन सेक्शन ले रहे हैं 10 मीटर, तो वो मेरा बी पे है, यानी सेंटर पे है, सेंटर से ही सेक्शन ले रहे हैं. सेंटर से हम इधर देख रहे हैं या फिर उधर को कहीं पे भी देखो, इधर देख रहा तो मैं क्या दे रहा, मेरा 5 किलोन्यूटन ऊपर लेके जा रहा. 5 किलोन्यूटन कहाँ लेके जा रहा, ऊपर लेके जा रहा. ऊपर लेके जा रहा यानी क्या लेके जा रहा, ऊपर लेके जा रहा यानी क्या हो रहा, पॉजिटिव सैगिंग. ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, तरक्की करने वाले पॉजिटिव, नीचे लाने वाले निगेटिव, रुलाने वाले निगेटिव. सो दैट्स व्हाई 5 × 2 − 10 × 0. 10 पे ही लग रहा है ना, कोई डिस्टेंस ही नहीं है उसको, दैट्स व्हाई 0. तो वो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. ओके, और सेक्शन जहां से काट रहे उतना ही सेक्शन देखने, उतना ही सेक्शन देखने, उससे ज्यादा सेक्शन नहीं देखने का. तो ऊपर लेके जा रहा पॉजिटिव, नीचे कोई लेके ही नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई पॉजिटिव. तो दैट इज 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर, दैट बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर. तो डायग्राम इज लाइक दिस, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है. जीरो जीरो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली आप जीरो जीरो, बिकॉज ऑफ ये एंड सपोर्ट्स मेरे सिंपली सपोर्ट्स है तो वो जीरो ही रहेंगे. अब बीच वाला मेरा कौन सा है, 10 किलो न्यूटन है, तो अब ये 10 किलो न्यूटन मेरा, सॉरी हाँ 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर है, तो 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया मेरा. अब ये 10 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, उसकी वजह से 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर मेरा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है. ओके, दैट इज माई बेंडिंग मोमेंट. तो दैट इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, यानी कितना क्या है मेरा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट. अब ये मैंने लीनियर क्यों लिया है, पॉइंट लोड के लिए लीनियर लगता है. दैट इज 1 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री. ये भी मैंने मेरे जो भी एस एफ डी की पूरी मेरी प्लेलिस्ट है, वो एस एफ डी बी एम डी की प्लेलिस्ट, वो आप पूरी पूरी प्लेलिस्ट देख लो, ये पूरा आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये स्ट्रट ही क्यों बनाया है, जीरो यानी क्यों बनाया है, और ये 1 डिग्री ही क्यों बनाया, 2 डिग्री का पाएगा, 3 डिग्री का पाएगा. तो ये भी आपको देखना पड़ेगा. प्लीज आपको ये कंसेप्ट समझ गया कि ये बता दो आप, बस SFD BMD का कॉन्सेप्ट समझ गया कि ये बता दो. हाँ समझ लो, बाकी लोग. हाँ सर समझ गए. ओके, तो मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे, आप प्लीज वो लिंक आप बाकी को भी शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अगर सबका अच्छा हो जाएगा तो मेरे लिए अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो वो आप कर दो. हम कल से जो है वो फर्स्ट मॉडल मॉडल 1 अपन स्टार्ट कर देंगे. बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का भी आप ज्वाइन कर लो मेरी बैच, बैच में आपको वहाँ पे वीडियोस दी जाएंगे, वो सबके लिए फ्री नहीं है. ओके ओके गाइस, तो अपन नेक्स्ट कल देखते हैं. कल थोड़ा लेट हो जाएगा तो भी आप ये कर लेना, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, मैं अगर लेट आ जाऊँ साइड से वगैरह.